बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा क्वेश्चन समर 2006 के पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक सर्किल दिया गया है, देखें, और इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इसमें ये टी एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट दिए गए हैं, एक बी टी है टेंजेंट और ये एक ए टी टेंजेंट है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। न भी देता तभी एक पॉइंट से टेंजेंट हमेशा इक्वली होते हैं लेंथ के। अच्छा, अब देखिए, ये कह रहा है द डायग्राम शो द सर्कुलर सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। द टेंजेंट एट ए एंड बी मीट एट द पॉइंट टी एंड ए टी इज इक्वल बी टी इज इक्वल 15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है शो द एंगल ए ओ बी इज 2.16 रेडियंस, कैरेक्टर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमें ए ओ बी ये एंगल प्रूव करने के 2.16 है। मैं क्या कर रहा हूँ, ओ को ए से मिला देता हूँ। ये तो ये ट्राइंगल बन गया ए ओ टी, और ये हमेशा राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, ये बिल्कुल एक जैसे ट्राइंगल है। ये भी 15 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये अच्छा ये एंगल में अल्फा लेता हूँ तो ये एंगल भी अल्फा होगा। सबसे पहले मैं अल्फा एंगल मालूम करता हूँ। देखिए, अल्फा एंगल जो होगा टेंजेंट इस्तेमाल करूंगा, ये तो ये फर्स्ट पार्ट में करने लगा हूँ, तो टेंजेंट अल्फा बराबर होगा 15/8 के। तो अल्फा जो आ जाएगा ये आ जाता है 1.08 रेडियंस के, 1.08 रेडियंस के। तो आप देखें एंगल ए ओ बी, इसने पूछा है एंगल ए ओ बी जो होगा वो होगा 2 अल्फा के, तो 2 × 1.08 तो ये आता है 2.16 रेडियंस के। प्रूव हो गया, ये प्रूव पहला पार्ट मैंने प्रूव कर लिया। फिर कहते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन के लिए आप देखें ये शेडेड रीजन है, एक तो ये आर्क लेंथ होगा ए बी और बी टी प्लस ए टी, तो इसका पेरीमीटर मैं इस तरीके से मालूम करूंगा। लेकिन पेरीमीटर सबसे पहले आर्क लेंथ मालूम करूं, चलो पेरीमीटर जो होगा आर्क लेंथ ए बी और प्लस ए टी और प्लस ए टी और ये क्या है, ये है बी टी। तो आर्क लेंथ ए बी जो है, आर्क लेंथ ए बी अगर मैं मेजर करना चाहूँ तो वो था एस इक्वल आर थेटा, तो जाएगा 8 × 2.16 प्लस ए टी भी 15 है और वो भी जो है वो 15 है। ये दोनों ऐड करें, 8 × 2.16 ये आता है 17.28 प्लस 15 प्लस 15, तो ये अगर करेंगे तो ये आ जाता है 41.28 सेंटीमीटर्स, जो कि 3 सेंटीमीटर, 41.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पेरीमीटर हो गया शेडेड रीजन का। फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन देखिए क्या करूंगा, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, दोनों का एरिया सेम होगा और उसमें से ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दूंगा, बात खत्म। तो देखिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं मालूम करूँ, इधर कर रहा हूँ कि आपको नजर आए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए टी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यह आ जाएगा 1/28 × 15, 1/28 × 15 तो यह आ जाता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ये ओ ए टी था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ टी भी यही है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए ये जो है ये पूरा एरिया ये आ जाएगा दोनों का, इसमें से ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा, सेक्टर का माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा सेक्टर का एरिया, बाकी माइनस कर दूं तो देखें सेक्टर जो है, ये तो दिया हुआ था लाइन, सेक्टर ये ए ओ बी है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये ए ओ बी सेक्टर का एरिया 1/2 r² थीटा होता है, 1/2 r² 8² इन थीटा इसका है 2.16, तो 1/2 8² × 2.16 करें तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकल आएगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर जो भी आ गया, तो अब जो ये जो शेडेड रीजन है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 60 + 60 − 1/2 8² × 2.16। चलो ये डायरेक्ट लिख दिया तो ये आपका पूरी कैलकुलेशन जो आ जाती है, ये आ जाती है 50.88 सेंटीमीटर स्क्वायर या 50.9 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो ये शेडेड एरिया आ गया।